उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सीनी सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज LG सैमसंग सोनी वॉलफोल्ड गोदरेज BPL बोश केंट के सभी सामान इसके साथ ही मोबाइल लैपटॉप अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सीनी सेल्स बुंदिया रोड पुराना किला मोड़ संपर्क करें 0154 7967 34। LG बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर। ऑफर में 7000 तक की छूट, एक साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महा छूट मेला। शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ, तो देर क्यों, जल्दी संपर्क करें जिमी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर पुराना किला मोड़ स्टेशन रोड। बिहार विधानसभा अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी के करीबी को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना सिवान जिला के घुटनी थाना क्षेत्र के सुहागरा मंदिर के समीप की है, जहां अज्ञात अपराधियों के द्वारा पूर्व मुखिया बैद्यनाथ चौधरी को गोली मार दी गई है। अपराधियों ने लगभग 4 गोली मारी है जिसमें पूर्व मुखिया बैद्यनाथ चौधरी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सिवान सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे के देखरेख में कई डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज कर बेहतर चिकित्सा हेतु पटना PMCH रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिवान सदर के राजद विधायक सब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी सिवान सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिवान SP से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ चौधरी के अपराधियों को जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाए, अन्यथा यह अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी आज सुहागरा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले थे और वहीं पर उनके खाना पीना का इंतजाम किया गया था। अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी सुहागरा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले थे जिसकी व्यवस्था उनके करीबी पूर्व मुखिया बैद्यनाथ चौधरी कर रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। पीड़ित को डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया, जहां एम्बुलेंस के साथ विधानसभा अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी खुद अपने गाड़ी से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। अध्यक्ष औद बिहारी चौधरी ने कहा कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी SP से बात हुई है, जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। एक्सरे में दिख रहा है, उससे कोई नहीं हानि नहीं है, मगर बट इसका लेपोटोमी करके देखना होगा, जो उसके कारण क्लॉट या पेट में हो जाए, ले जाकर के PMCH में ऑपरेशन थिएटर में पेट खोल करके इसका वास करना होगा। तो साइड में यहाँ पे मुंह पे भी छारा लगा है, ब्रस्ट कर गया वहाँ लगा पैर में जंग पे जंग पे। एक बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं और उनको जो है अपराधियों ने गोली मार दिया है। वो जो है पूरे बुरे तरीके से घायल हो गए हैं, 4-5 गोली लगी है। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, इन लोगों ने रेफर किया PMCH। मैं SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो जो गोली मारा है अपराधी उसको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जो दुनिया का जाल है इनके पास पकड़ने का, उसको लगा करके वैसे अपराधियों को जितना जल्दी है पकड़े। मैं बोल रहा हूं कि वो पकड़े, अन्यथा ये बात अच्छी नहीं होगी और निर्दोष लोगों को अपराधी मारते रहेंगे, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, वो पकड़ाएंगे नहीं तो ये अपराध की दुनिया में अपराध करते रहेंगे। बैजनाथ चौधरी के अपराधियों को जितना जल्द पकड़ा जाए, कानून का पक्ष है
कि दोषी जो है बचे नहीं और निर्दोषी फंसे नहीं, कोरम नहीं पूरा करना है, बल्कि जो गोली मारा है वैसे नोटेरियस जो है क्रिमिनल है।